मध्य प्रदेश के ग्वालियर शहर में एक बार फिर भरोसे के कत्ल का मामला सामने आया है। मामला ग्वालियर का है, जहां युवक ने पहले महिला से फेसबुक पर दोस्ती कर भरोसा जीता और फिर दोस्ती की आड़ में महिला के साथ दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया। आरोपी अब पुलिस की गिरफ्त में है। दरअसल राजधानी में अपने पति से अलग रहने वाली युवती के साथ ग्वालियर के रहने वाले युवक ने पहले फेसबुक से दोस्ती की और जब दोस्ती गहरी हुई तो आपस में पहले बातचीत का सिलसिला शुरू हुआ और फिर मिलना जुलना। इसी बीच युवक महिला को ग्वालियर ले आया, जहां कई बार दोस्ती की आड़ लेकर महिला से के साथ कई बार दुष्कर्म किया। इस बीच महिला ने कई बार शादी का दबाव बनाया तो आरोपी युवक टालता रहा, जिसके बाद अब महिला ने पूरे मामले की शिकायत ग्वालियर के थाटीपुर थाने में की है। महिला की शिकायत पर पुलिस ने आरोपी को दुष्कर्म की धारा के तहत गिरफ्तार कर लिया है। एक महिला लड़की है और उसकी उम्र 30 साल है, भोपाल की रहने वाली है, चांदबड़ भोपाल रेलवे स्टेशन के पास की रहने वाली है। उस लड़की की फेसबुक पे दोस्ती हो गई थी सत्यम गुप्ता, जो मेलगांव जो है यहीं ग्वालियर का रहने वाला है। तो दोस्ती के बाद जो है फिर वो लड़की को लेके आ गया ग्वालियर, और ग्वालियर लाके उसने जो है पहले पड़ाव क्षेत्र में 2 महीना उसको रखा किराए का मकान लेकर के, और उसके बाद थाटीपुर क्षेत्र में उसने जो है किराए का मकान लेके रहना शुरू किया और उनके जो है लिविंग रिलेशन संबंध उनके थे। लड़की ने जो है जब उससे कहा कि शादी कर लो तो इस लड़के ने मना कर दिया। तो लड़की के साथ हुए दुष्कर्म के संबंध में लड़की ने कल हमारे यहाँ जो FIR दर्ज कराई है, उसमें आरोपी के खिलाफ जो है 376(2)(n) कायम मुकदमा कायम किया गया है। और बताया जा रहा है ये लड़की पहले से शादीशुदा थी। हाँ, लड़की पहले से शादीशुदा थी, अपने पति को छोड़ करके अपने फेसबुक मित्र के साथ आ गई, आरोपी पकड़ लिया गया। रिपोर्ट, वॉइस ऑफ MP, ग्वालियर।